विजय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि चैंपियन ट्रॉफी तो वर गई। आप ये तो बताओ, जय शाह आईसीसी चेयरमैन तो बन गए, लेकिन ये बताओ कि माविया भाई ने ये बात कब बता दी थी? हमने कल ही बताया, कल नहीं बताई थी, बहुत पहले की वीडियो भी अगर आप देखो तो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और भाई आज ये चीज बस एक कसर बची थी, ऑफिशियल होना, ऑफिशियल हो गई है भाई, ठीक है ना। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान टीम को तो मैंने कल भी बोला था, अब थोड़ा सा बोरिया बिस्तर बांटना पड़ेगा, क्योंकि अब हर चीज में, हर फील्ड में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर फील्ड में नहीं, क्रिकेट में तो खासतौर पर आईसीसी इवेंट्स के अंदर अब जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान टीम की चलती थी अब वो भी नहीं चलेगी भाई, ठीक है ना। अच्छा, इंडियंस जो है ना, जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने में इतना खुश नहीं है जितना इस बात पर खुश है कि चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। अब तो चैंपियन ट्रॉफी बढ़ गई, वो कहते ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो असली वरना इसको बोलते हैं, वो जो आप वनडे पे लगे हुए थे ना, तो असली वरना तो ये होता है कि किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी, मतलब एक क्लेवर तरीके से इंडिया टीम ने सोचा और इंडियन ने सोचा कि भाई हमें क्या करना है, हमें कौन सा स्टेप चाहिए, और उन्होंने जय शाह को किया आगे। अब जय शाह इतने प्यार मोहब्बत से लेके जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी को उसकी तरफ कि हमें पता भी नहीं लगेगा। वो चैंपियन ट्रॉफी ना ले जाए माविया भाई, पूरी की पूरी इवेंट तो लेके जाने की इजाजत दे देंगे, हम चैंपियन ट्रॉफी ना ले जाएंगे। वो तो उसको जीतना पड़ेगा ना, तो वो तो जीतेंगे तो जीतेंगे ना, ऐसी भी अंधेरी मची हुई है वो बोलेगा इंडिया जीत गई, ऐसा भी नहीं है भाई। खैर, अब सीन कुछ ऐसा है भाई, लोग बातें कर रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, ऑफिशियली तौर पर मैं खुद बता दूं आपको कि भाई न्यूज जो हमारे पास आने वाली है वो यही आने वाली कि चैंपियन ट्रॉफी मूव होने वाली, बिल्कुल होगी। अब जो उससे पहले की न्यूज आई थी कि भाई जय शाह जो आईसीसी चेयरमैन बने वो भी बिना कॉम्पिटिटर के, मतलब कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं उनके सामने, कोई सीन उनके सामने था ही नहीं, तो भाई वो बने हैं सीधा सीधा। देखो सपोर्ट आई है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जहां से क्रिकेट आजाद हुई है वो बहुत बड़ा बोर्ड है और उसकी बहुत सुनी जाती है। दूसरा बोर्ड कौन है बड़ा? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। दो बोर्ड ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा सुनी जाती है आईसीसी इवेंट्स के, आईसीसी के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने दिखा दी सपोर्ट किसको? हमारी सुनी नहीं जाती। देखो हमारी तो, हम तो मतलब सुनवाते हैं अपनी, तो नहीं, हमारी भले हम लोग खुश हो इस मतलब डिसीजन से या नहीं खुश हो, तो हमारी सुनी जाएगी। मैं तुम्हें एक बात बोलूं छोटी सी, जैसे समझ लो अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा आईसीसी को तो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से जरूर पूछेगा, मतलब उसकी एडवाइस जरूर लेगा। क्यों? तो वो जो दो क्यों वजह हो इनकी परफॉर्मेंस से? नहीं देखो परफॉर्मेंस तो है बिल्कुल है, लेकिन देखो इंग्लैंड कौन सा वर्ल्ड कप जीत गई भाई लास्ट टाइम? हाँ। T20 जीती लेकिन वर्ल्ड कप कब जीत गई वो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने अगर पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस अच्छी होती जो एक वक्त में थी, तो क्या आज हम लोग? देखो सीधी सच्ची बात है, उन लोगों ने अपनी पीआर बनाई हुई है। मैं आपको सीधा बात बताऊं, हमारा काम है पंगे लेना, हमारा काम है पंगेबाजी करना। अब कहां ले रहे हो? अब हम बोले पंगे नहीं ले रहे, पहले की बात अलग। अब भाई अब हम बोले कि भाई पंगे लेने में सबसे ज्यादा आज भी बीसीसीआई पहले नंबर पर है, ठीक है। अब चलो ठीक है, मैं मान गया भाई इंडियन टीम पहले नंबर में पंगे लेने पे, ठीक है ना, हर चीज में ये करना। लेकिन आप देखो यार, आप चलो आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात सही नहीं हो सकते इंडिया से, ठीक है, और पाकिस्तान के, ठीक है, आप एटलीस्ट क्रिकेट के ताल्लुकात तो सही कर लो कि आप क्रिकेट में तो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना लो कि भाई हमारे देश में जो भी चल रहा है, लेकिन अभी ये स्पोर्ट है, ठीक है ना, स्पोर्ट। आपको पता बहुत सारी लोग अभी बोल रहे होंगे यार क्या इलॉजिकल बात कर रहा है भाई तू, स्पोर्ट्स और अलग है। देखो पॉलिटिकल चीजें अलग होती है। अच्छा हाँ, काफी वाले कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास कि भाई हम जब पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया आने वाली, तो हम बोलते हैं इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि भाई देखो ऐसा लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के मामला कोई 6-7 सालों से चल रहे हैं, तो जब से मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट हुए दोनों मुल्क, जब से चल रहे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया कभी टूर करने आई नहीं पाकिस्तान। आई है भाई, बहुत दफा आई है, पाकिस्तान भी गई है, अभी रिसेंट होकर आई है पाकिस्तान। तो क्रिकेट तो चलता रहेगा, साइड में चलता रहा है उस वक्त भी। और दूसरी चीज आप ये देखो कि आज एक चीज देखने को मिल गई है कि भाई ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, कि एक चीज देखने को मिली आज भी सबसे ज्यादा पैसा जीत गया, ठीक है, सीधा सीधी बात बोलूंगा पैसा जीती है। मैं ये नहीं तो बोलूंगा पर्ची भी आएंगे, नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि जय शाह इज नॉट डिजर्विंग और जय शाह डिजर्व नहीं करते थे चेयरमैन बनना इतनी जल्दी, ठीक है भाई करते थे बिल्कुल, उनका दिमाग है, अपने दिमाग के हिसाब से अपना, उनका खुद बीसीसीआई इतना बड़ा, उन्होंने अपना एक पूरी एक मैनेजमेंट लेके चले हैं, ठीक है ना। तो अभी आईसीसी भी वो संभालेंगे और हो सकता है भाई संभाल भी ले अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कि हम भी एक टाइम पे आगे तारीफ कर रहे हैं। गौतम गंभीर के बारे में भी यही सब कह रहे थे, लेकिन फिर गौतम गंभीर ने देखो श्रीलंका से हरवा दिया है। और अब देखो जय शाह के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, ठीक है, हमारी नजरों में तो वो बीसीसीआई से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी वो बीसीसीआई को भी संभालेंगे और वो आईसीसी को भी संभालेंगे, ये बात आप लिख के रख लो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि भाई पैसा क्यों जीत गया और मैं पैसों की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलियंस को खेलना है आईपीएल, ठीक है, सीधी बात, इंग्लैंड वालों को भी खेलना है, इंग्लैंड वालों को खेलना है आईपीएल, ठीक है, और उनको पता है कि आईपीएल। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि चार बोर्ड ना साइड हो गए, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफगानिस्तान। मेरे हिसाब से यार देखो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बोर्ड जिसको सपोर्ट दिखा देना खत्म हो जाती है कहानी, और बोर्डों का पूछा जाता ही नहीं है भाई, किससे पूछोगे, वेस्ट इंडीज बोर्ड से पूछोगे आप, किससे पूछोगे, और न्यूजीलैंड बोर्ड, अबे चलो न्यूजीलैंड बोर्ड का समझ में आता है, लेकिन ना वो किसी के लेने में और ना वो
किसी के देने में। ये दो बॉडी थे जो करता थरता थे भाई आईसीसी के, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने दिखा दिया सपोर्ट। यानी कि हम लोग अब चैंपियन ट्रॉफी हद तक भूल जाए, 100% ही भूल जाए। तुम उससे ना वही बच्चों वाली बात कर रही हो, लगी तो रहेगी ना टेंशन। जय शाह का आना ठीक है पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में वो आए हैं ठीक है, तो उन्होंने मेरे हिसाब से जवाब, और ये वही जय शाह जिन्होंने एशिया कप भी मूव करवाया। और अब आखिरी बात 100 बातों की, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा, जय शाह की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा, तो भाई जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनकर स्टेटमेंट आपको सीधा दे दिया है कि भाई प्रोग्राम आप लोगों का बढ़ गया है।